नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चारू जौहरी, निसंतानता विशेषज्ञ तथा सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ अलवर से। आज बात करेंगे आईवीएफ के कॉस्ट के विषय में कि क्यों डिफरेंट सेंटर्स पे आईवीएफ का कॉस्ट थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। तो देखिए, जो आईवीएफ है वो कोई नई तकनीक नहीं है, 1978 से इसमें काम चल रहा है। जब ये आईवीएफ शुरू हुआ था तो सफलता दर मात्र 20-25% हुआ करती थी। आज की तारीख में अगर हम सफलता की बात करें तो जो अच्छे सेंटर्स हैं वहाँ सफलता बढ़ के 75% तक भी अचीव की जा सकती है। तो ये जो सफलता दर में अंतर आया है उसके पीछे क्वालिटी है और जो इंजेक्शन्स हैं उसकी गुणवत्ता और जो नई तकनीकें हैं, लैब की प्रक्रिया है, उनमें बहुत डिफरेंस आया है। IVF पहले समझिए होता क्या है। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो यानी शरीर के बाहर, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। यानी IVF में हम जो निषेचन की प्रक्रिया है इसको शरीर के बाहर करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए हम महिला को माहवारी के दूसरे दिन से इंजेक्शंस लगाते हैं। ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं जो अंडे के विकास के लिए लगाए जाते हैं। जब अंडे का विकास हो जाता है तो हम अंडों को शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है जिसको हम ओवम पिकअप कहते हैं। इस तरीके से जो अंडे बाहर आ जाते हैं इनको हम पुरुष के शुक्राणु के साथ मिलाकर भ्रूण बनाने की प्रक्रिया शरीर के बाहर करते हैं। यानी कि जो निषेचन है उस प्रक्रिया को हम लोग शरीर के बाहर करते हैं। इस तरीके से जो भ्रूण बन जाता है उसको हम तीसरे दिन पर या पांचवे दिन पर महिला के गर्भ में वापस डाल देते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है IVF की। इसमें जो कॉस्ट की जो फैक्टर्स हैं, जो कॉस्ट ऊपर नीचे होने के मुख्य कारण है, वो दो है। एक तो इंजेक्शंस की कॉस्ट, दूसरा लैब और तकनीकों की कॉस्ट। इन दोनों को हम लोग को बहुत मेंटेन करना पड़ता है। तो देखिए, जो इंजेक्शंस महिला को लगाए जाते हैं ये अंडे के विकास के लिए लगते हैं। ये डिफरेंट क्वालिटीज के मार्केट में अवेलेबल है। जो सबसे अच्छी गुणवत्ता के जो इंजेक्शंस हैं वो है रिकम्बिनेंट इंजेक्शंस। ये 100% प्योर होते हैं, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। इसलिए जब ये किसी महिला को लगाते हैं तो जो रिएक्शन का खतरा है वो बहुत ही कम हो जाता है तथा जो अंडे का विकास है वो बहुत अच्छा हो सकता है। ये इसी की जगह पे अगर हम लो क्वालिटी के इंजेक्शन लगाते हैं, अगर हम प्योरीफाइड इंजेक्शन को यूज करते हैं तो ये कॉस्ट में तो आधे रह जाते हैं। मतलब इनके जो कॉस्ट है वो रिकम्बिनेंट की तुलना में लगभग आधा है। लेकिन ये कॉस्ट में कम जरूर है लेकिन इनमें गुणवत्ता पूरी नहीं है। इसकी वजह से एक तो जिस महिला को लगा रहे हैं उसमें रिएक्शन का खतरा ज्यादा बना रहता है तथा जो अंडे की गुणवत्ता है वो भी उतनी अच्छी विकसित नहीं हो पाती है जितनी हो सकती है। तो अगर एक अंडा अच्छा विकसित नहीं होगा तो भ्रूण भी अच्छा नहीं बनता है। तो पहला अंतर जो आता है वो इंजेक्शन की कॉस्ट का आता है। तो ये इंजेक्शन मार्केट में 40,000 से 95,000 तक के भी अवेलेबल है, डिपेंड कौन सी क्वालिटी के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। फिर जो दूसरा अंतर रहता है वो है तकनीकों का। तो देखिए, तकनीकों को समझिए क्योंकि अब IVF में कुछ नई तकनीकों को यूज किया जाता है सफलता को बढ़ाने के लिए। तो पहली तकनीक है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। ब्लास्टोसिस्ट यानी कि पांचवें दिन का भ्रूण। तो हम जब भी IVF करते हैं तो देखिए, या तो तीसरे दिन का भ्रूण डाला जा सकता है या फिर पांचवें दिन का भ्रूण बच्चेदानी में डाला जाता है। तो जो तीसरे दिन के भ्रूण हैं उनको देख के कोई ये बता नहीं पाता कि कौन सा भ्रूण अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा विकास करेगा, कौन सा नहीं करेगा। जो भ्रूण अच्छे हैं, विकास करने की क्षमता रखते हैं, वही पांचवें दिन तक विकास कर पाते हैं। तो जब भी हम एक पांचवें दिन का भ्रूण बच्चेदानी में डालते हैं तो क्या मतलब हुआ कि ज्यादा स्वस्थ भ्रूण को ढूंढ के बच्चेदानी में डाल रहे हैं जिसके विकास की संभावना ज्यादा है, जिसमें विकास का पोटेंशियल ज्यादा है। तो अपने आप ही सफलता दर बढ़ जाती है। जो तीसरे दिन से पांचवें दिन का जब भ्रूण डेवलप किया जाता है तो उसके लिए हम लोग को खास कल्चर मीडिया चाहिए होता है। तो ये जो कल्चर मीडिया है काफी कॉस्टली आता है। तो जहाँ पे भी तीसरे दिन का भ्रूण डाला जाएगा वहाँ कॉस्ट कम लगेगी, जहाँ पांचवें दिन का भ्रूण डाला जाएगा कॉस्ट अपने आप बढ़ेगी लेकिन सफलता दर भी बढ़ जाती है। दूसरी तकनीक है लेजर असिस्टेड हैचिंग। तो लेजर असिस्टेड हैचिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भ्रूण होता है उसका जो बाहरी खोल होता है उसको हम लोग लेजर की किरणों से पहले से ही थोड़ा सा थिन आउट करके बच्चेदानी में डाल देते हैं।
जैसे आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा, जब चूजा बाहर निकलता है तो पहले अपने खोल को तोड़ के बाहर आता है, इसी तरीके से जब हम भ्रूण डालते हैं तो ये अपने जो बाहरी खोल है उसको तोड़ के बाहर आता है। लेकिन जब हम लेजर की प्रक्रिया कर देते हैं तो जो भ्रूण की जो एनर्जी है वो इसके खोल को तोड़ने में नहीं लगती, वो एनर्जी डायरेक्ट उसको इम्प्लांटेशन में या चिपकने में लगाता है, यानी कि चिपकने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर लेजर की तकनीक नहीं की जाएगी तो फिर आपका कॉस्ट कम होगा, लेकिन अगर लेजर की प्रक्रिया की जाएगी तो कॉस्ट बढ़ता है लेकिन सफलता फिर बढ़ जाती है। फिर तीसरी तकनीक है क्लोज वर्किंग चैम्बर। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग जब भ्रूण को पालेंगे शरीर के बाहर 5 दिन तक, तो उसको कहीं तो नहीं छोड़ देंगे ना, उसके लिए खास जगह चाहिए, खास तापमान चाहिए, खास एनवायरनमेंट चाहिए। तो जो क्लोज वर्किंग चैम्बर है ये एक खास तरीके की मशीन है जिसका तापमान, वातावरण, गैसेस बिल्कुल बच्चे दाने की तरह मेंटेन की जाती है। तो जब भ्रूण इसके अंदर 5 दिन तक डेवलप होता है तो भ्रूण को पता नहीं चलता कि वो मां के गर्भ में पल रहा है या बाहर पल रहा है, तो उसका विकास बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, जब भी IVF किया जाता है कॉस्ट ऊपर नीचे इसलिए होता है, या तो हम लोग इंजेक्शन की गुणवत्ता को देखें, अगर हम इंजेक्शन की गुणवत्ता कम करेंगे डेफिनेटली कॉस्ट कम होगा। अगर हम लोग तीसरे दिन का भ्रूण डालते हैं, लेजर की प्रक्रिया नहीं करते हैं, क्लोज वर्किंग चैम्बर में कल्चर नहीं करते हैं तो कॉस्ट और कम हो जाता है। तो कॉस्ट तो कम होता है, लेकिन अगर तकनीकों का अभाव होता है और गुणवत्ता की कमी होती है तो सफलता दर भी घट के आधी रह जाती है। तो इसीलिए सफलता दर भी कुछ सेंटर्स पे 30-40% तो कहीं पे अभी 75% के ऊपर भी सफलता को अचीव किया जा सकता है। तो इसीलिए जब भी आप IVF कराएं तो ये जानने की जरूर कोशिश कीजिए कि किस सेंटर पे कौन सी तकनीकें हैं, कौन सी नहीं है, कौन सी गुणवत्ता के इंजेक्शन वहाँ लगाए जाते हैं, क्योंकि इन सब का सीधा संबंध IVF की सफलता से होता है। तो इस विषय में आपको भी कोई क्वेरी हो तो हम लोग से जरूर डिस्कस कीजिएगा। धन्यवाद।